दोस्तों अगले पर्टिकुलर मंडे को, अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में मंडे को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जो ट्यूसडे को रिएक्ट करेगी। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। मैं आपको 2 से 3 कंफर्म इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे, और अगर जो सोचा जा रहा है वही डेटा आता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट होगी। और अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में ये जो ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये दूर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो अगले हफ्ते आना है रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई के लिए, निफ्टी बैंक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा ये डिसाइड करेगा कि रेट कट कब होगा। जितना बेहतर डेटा आएगा उतना रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे, जितना रेट कट होगा उतना बैंकों के लिए अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्स आ चुके हैं, और पोल्स में ये माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा कम होकर आ सकता है। और पोल केवल एक पोल नहीं बता रहा, मैं मल्टीपल पोल दिखाऊंगा, और मैं मल्टीपल इकोनॉमिस्ट की अपडेट बताऊंगा, और मैं आपको आरबीआई की रेंज भी बताऊंगा जिस पे वो निगेटिव रिएक्ट करेगा या पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, दूसरा करता है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि आपको पता होना चाहिए, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का आ रहा हो, इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि इंडिया का आएगा और ये माना जा रहा है कि फूड प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू सी राइज, यानी कि फूड के प्राइजेस बढ़ सकते हैं पिछले महीने के कंपैरिजन में, यानी कि मार्च के कंपैरिजन में फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन जो रहेगी वो बेटर रहेगी, क्योंकि जो आपका लास्ट डेटा था उस पर्टिकुलर डेटा से या तो कम होकर आएगा या तो सेम डेटा भी आ सकता है। अब आप देखेंगे इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4.87 आएगा। कितना 4.87 आएगा, पिछली बार कितना आया था 4.85 आया था। अगर डेटा यहीं पर आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेटा आरबीआई की जो रेंज है वो है 2 से 6 के बीच में। तो अगर 6 के जितना नीचे रहे, अपर बैंड के जितना नीचे रहे, तो आरबीआई उतना ज़्यादा खुश रहता है, सरकार भी उतना ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन जितना ज़्यादा 6 के पास रहेगा डेटा, अगर मान लीजिए अचानक से कुछ और आ गया, बढ़कर आ गया, तो वहाँ पे निगेटिव रिएक्शन भी सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 22 इकोनॉमिस्ट के पोल ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वैरीड है डेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है, जिसका एवरेज ये निकल रहा है। यानी कि डेटा इस बीच में अगर आता है, तो अगर डेटा ये आ जाता है तो आप समझिएगा फिर ये बढ़कर डेटा आएगा, मार्केट के प्रोजेक्शन से ज़्यादा डेटा आएगा तो ये निगेटिव अपडेट है, और डेटा अगर इससे कम आता है तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट होगी। फिर मैं आपको, ये डेटा आना कब है, 13 मई, यानी कि मंडे को आना है, और मंडे को आने के बाद आपको याद रखना है कि बेसिकली ये डेटा शाम को आता है, तो 14 मई को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो पोल है, रूटर का जो पोल है, तो उसमें तो डेटा और कम दिखाया जा रहा है, उसमें इकोनॉमिस्ट भी ज़्यादा है, डेटा भी ज़्यादा है। तो रूटर के पोल के जो अगर आप देखेंगे तो उसमें स्लिप होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा कम होकर आएगा। और अगर कम होकर आता है तो ये अच्छी बात है, उनके अकॉर्डिंग डेटा आएगा 4.8% के आसपास। तो अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन 5 के अंदर ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 के अंदर ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और फूड इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे
तो कितने लोगों ने करा है? 44 इकोनॉमिस्ट हैं, वहाँ पे कितने थे? 22, यहाँ पे 44 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेटा बताया है 4.8% आएगा, मार्च में आया था 4.85%। अगर ये डेटा आ जाता है तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉजिटिव अपडेट होगी। तो फोकस करिएगा डेटा कैसा आता है। राम राम।